हे फूडीज, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेके आई मैगी और पिज़्ज़ा की एक कॉम्बो रेसिपी, जो कि मैगी पिज़्ज़ा, और ये हम बिना ओवन के बनाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और मैं आपको यहाँ पे पैन में बताऊँगी ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 पैकेट मैगी के, उसी के साथ 3 टेस्ट मेकर। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है और उसी तरह मैंने प्याज को भी कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास कॉर्न थे, अगर आपके पास ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं या फिर टमाटर भी डाल सकते हैं। उसी के साथ रेड चिली फ्लेक्स, और मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। उसी के साथ मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लिया है और ओरिगैनो। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें मैगी तैयार करनी है, जैसे हम सिंपल मैगी बनाते हैं ना वैसे ही तैयार करनी है। कोई भी हमें इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालनी अभी, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया और इसे एक बॉयल आने देना है। तो बॉयल आ चुका है पानी में, अब हमें इसमें मैगी डाल देंगे। मैगी को हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ना अच्छे से पिज़्ज़ा नहीं बन पाएगा इसका। तो मैंने यहाँ पे मैगी डाल दी, उसी के साथ टेस्ट मेकर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट मैगी लिए, उसी के साथ 3 टेस्ट मेकर लिए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें मैगी को अच्छे से पका लेना है और पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सा ढीला बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर करके पका लिया था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, और ये बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं है, और अलग अलग है नूडल्स, लंबे भी हैं। तो अब हम इसे ठंडा करने के बाद इसमें हमें कॉर्नफ्लोर का डाल देना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, यानी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तब हम इसे मैगी में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमें मैगी को मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है। और ऐसे मैं जो ये कांटे वाले चम्मच होती है ना, इनसे ऐसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्पैचुला की मदद से, या पलटा होता है ना उसकी मदद से ईजिली इन्हें मिक्स कर सकते हैं। ये लीजिए अच्छे से मिक्स है। तो चलिए अब हम हमारा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं, पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और उसमें मैंने नीचे थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दिया है, या आप तेल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैगी को डाल दिया है, आप सारी मैगी भी डाल सकते हैं, या आपको थोड़ा पतला बेस पसंद है तो आप थोड़ी मैगी डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट सारे नूडल्स डाल दिए हैं, और उसी के साथ मैं यहाँ पे साइड में भी घी स्प्रेड कर दूँगी ऊपर भी, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो थोड़ा क्रिस्पी बने। तो आप देख सकते हैं ये नीचे से पक चुका है, आप थोड़ा सा इसे फ्लिप करके देख सकते हैं, और मैंने इसे पलट दिया था। आप इसे थोड़ी सावधानी के साथ पलटिएगा, क्योंकि बीच में इसे टूट सकते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे साइड में भी घी स्प्रेड कर दिया था, ताकि नीचे से क्रिस्पी बने। और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लिया, ये मार्केट में पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस से आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लिए, और इसे अच्छे से मैगी के बेस पे लगा दिया है। उसी के साथ मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम ध्यान नहीं रहा, लेकिन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बिना चीज़ के पिज़्ज़ा तो बनने नहीं वाला, तो आप मोज़रेला चीज़ ला के रखिएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉर्न्स, प्याज और शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी, जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं। और अब हमें इन्हें कुक करना है कवर करके। तो ये लीजिए मैगी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, और चीज़ देखिए कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है। इसका फ्लेवर तो भाई इसका ही है, बिना ओवन के बनाया है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। बेसिकली ये जो सूखी मिर्च होती है ना, लाल वाली, उसे पीस के बनती है, आपके पास ना हो तो आप उसे पीस के बना सकते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे ओरिगैनो डाला है, और मैं इन्हें पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा कटर से ही कट करेंगे। उसी के साथ अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल चाकू से भी कट कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। और चीज़ देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है, और आप ना इसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और ये देखिए हमारी चीज़ी मैगी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल अच्छे से चीज़ इसमें मेल्ट हुई है। तो कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल करना। तो
तो चलिए मिलती हूँ अब एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।